गाइस ये फेक हेयर ऑयल है, बिल्कुल यूज मत करना। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल और मैंने इसको लिया है फ्लिपकार्ट से। मुझे 149 रुपीस पड़ा था। ये इतना वायरल हो चुका है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है गाइस, पर फिर भी मैंने इसे वीडियो बनाने के लिए लिया है ताकि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर सकूं कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन वगैरह से अगर आप लेते हो तो ये सच में आपको ओरिजिनल रिसीव होता है या काम करता है या नहीं। पर जब मैं इसे यूज़ की गाइस तो सच बताऊं तो ये मुझे ना नवरत्न वाली फील दे रहा था। नवरत्न का जो हेयर ऑयल आता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, ये थोड़ा सा लाइट है और उसकी खुशबू जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा माइल्ड है, बट उससे मिलता जुलता ही मुझे लगा। ऐसा कुछ ये फील भी नहीं दे रहा था ओरिजिनल है और ये है भी नहीं ओरिजिनल गाइस, जस्ट एक नॉर्मल बॉटल जो आता है हेयर ऑयल का वैसा ही है और इस पर सिर्फ ये स्टिकर चिपका दिया गया है आदिवासी हेयर ऑयल। बिल्कुल ये ओरिजिनल बहुत अच्छा काम करता होगा लेकिन ये वाला काम तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो आप ऐसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन या मीशो से तो बिल्कुल नहीं लेना, वहाँ से तो मुझे लगता ही नहीं ओरिजिनल रिसीव भी होगा। तो इसको इसका शायद एक वेबसाइट है वहाँ से आपको ओरिजिनल मिल सकता है, बट ये कोई काम का नहीं है। एज अ नॉर्मल हेयर ऑयल है गाइस, मतलब ठंडा तेल, ये आपके सिर्फ सर का दर्द हटा सकता है, बाकी रीग्रोथ में या हेयर फॉल स्टॉप करने में कोई मदद नहीं करेगा। मैं आपको डेमो भी दिखाती हूँ। ये है एक साइड नवरत्न ऑयल और एक साइड में डालूँगी आदिवासी हर्बल ऑयल। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। जो नवरत्न वाला है थोड़ा डार्क कलर है, ये लाइट है, बट खुशबू सेम है, बस थोड़ा सा माइल्ड है जो हर्बल हेयर ऑयल है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है ये। और मुझे लग भी रहा था कि मुझे ओरिजिनल नहीं रिसीव होगा, बट फिर भी कंटेंट बनाना था मुझे। तो गाइस इसको मैं फिर भी पूरा यूज़ करूँगी और आपके साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय, और कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाय बाय।